भारत के दक्षिण में स्थित केरला को प्रकृति ने अपने सभी रूपों से सजाया है। लगभग 600 किलोमीटर लंबे समुद्री तट के किनारों पर बसा केरला देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीचेस, बैकवाटर्स, हिल स्टेशन सभी एक साथ मौजूद हैं। प्रकृति के इन सभी आयामों को अपने अंदर समेटे केरला के इस सफर में हम आज आ पहुंचे हैं एलप्पी। तो दोस्तों, अगर आप केरला टूर पर आए हैं तो केरल टूर आपका बैकवाटर राइड के बिना पूरा नहीं होता और एलप्पी केरला के बैकवाटर में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। एलप्पी बैकवाटर में हाउस बोट क्रूज आपके एलप्पी टूर के यादगार हिस्सों के रूप में और सबसे सुखद अनुभवों में से एक है। यहाँ हाउस बोट के अलावा मोटर बोट, शिकारा, स्पीड बोट आदि के विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें से आप अपने बजट व आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। तो आज हम आपको कराएंगे बैक वाटर की राइड और साथ ही आपको टूर कराएंगे हाउस बोट का। ड्राइवर साहब, व्हाट्स योर नेम? बाबू। बाबू, ओह गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, आइए आइए, आपको सैर कराएंगे बैक वाटर की। नमस्ते दोस्तों, आज हम आए हैं एलप्पी में हाउस बोट में। अब आपको दिखाते हैं कि पूरी हाउस बोट ये कैसी है और अंदर से कैसी होती है और कैसे हम इसमें एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है हाउस बोट का ड्राइंग रूम। देखिए आप कितना नीट एंड क्लीन और स्पेसियस है। इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह सब है जिसमें आप बैठकर लंच और वेलकम ड्रिंक वगैरह उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको अगला दिखाते हैं हाउस बोट में और क्या क्या है। सबसे पहले आता है हाउस बोट का ये पहला बेडरूम है। देखिए इसको, हाउस बोट का ये पहला बेडरूम है और देखिए कितना स्पेसियस, नीट एंड क्लीन बिल्कुल बना हुआ है और यहाँ से व्यू भी आप बाहर का देख सकते हैं। व्यू देखिए कितना अच्छा, खिड़की वगैरह लगी हुई है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर इसमें अटैच बाथरूम, ये भी काफी स्पेसियस है और खुला खुला बना हुआ है, काफी अच्छा है। ये है वॉश बेसिन और ये मिरर वगैरह यहाँ पर सब लगा हुआ है, हाथ धोने के लिए सब साबुन वगैरह सब रखा हुआ है इसमें। और इसी के साथ है ये दूसरा बेडरूम, ये देखते ये भी उसी की तरह है, पूरा स्पेसियस है, पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं इसमें और व्यू भी इसका यहाँ पे खिड़की है, व्यू शानदार व्यू है यहाँ से भी, वाव बहुत अच्छा। इसमें भी आपको एक अटैच लैट्रिन बाथरूम भी मिलेगा इसमें, ये भी अच्छा साफ सुथरा स्पेसियस भी है साथ में। Name your name please. क्या नाम है? Thomas. और मिस्टर थॉमस जो कि आज हमारे लिए इतनी सारी चीजें बना रहे हैं और सर्व करेंगे हमें, बहुत ही अच्छी अच्छी। चलो थैंक यू जी। और ये देखिए हाउस बोट के बिल्कुल बैक में कितना शानदार है, यहाँ से पूरा व्यू
ये हाउस बोट में हम एक बजे पहुँचे हैं और लगभग 4 घंटे की राइड है, 5 बजे तक लगभग आपको राइड कराएंगे। हाउस बोट का जो चार्ज पड़ा है 9,000 रुपये चार्ज पड़ा है हमारे, इसमें आपका लंच इंक्लूड है इसमें, और इवनिंग में जो स्नैक्स वगैरह चाय स्नैक्स मिलेगा आपको, लंच मिलेगा और वेलकम मिलता है आपको इसमें। तो 4 घंटे की बोट राइड है आपका ये जो है, और इसमें 2 रूम हमें मिले हैं फैमिली के साथ, तो मतलब 8,000, 9,000, 10,000 को वेरीज करता है आपको कितने घंटे की राइड है आपकी और कितने पर्सन आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसमें। वाओ, ये देखिए अब एक कैनल टाइप का बना हुआ है ये बैक वाटर का, और इसके बीच में से लेके जाएंगे, क्या बात है, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू, देखिए आप। इस राइड में आपको कई कैनल से होकर गुजरना होता है जिसके दोनों तरफ कई छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं और लोग यहीं पर अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं। राइट साइड पे आप देखिए ये है ना, सारे राइस के यहाँ पे खेती होती है, चावल की इधर के साइड में, ये कोकोनट्स के ट्रीज है, पाम्स के ट्रीज है। यहाँ बैकवाटर के किनारे बसे गांव के लोग इन्हीं बोटों के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते हैं, यहाँ तक कि झील के किनारे बसे स्कूलों में भी बच्चे इन्हीं बोटों से आते जाते हैं। यहाँ यातायात के लिए बोट के द्वारा ही रोजमर्रा के कार्य पूरे किए जाते हैं। देखिए स्कूल बोट है, केरला की स्कूल बोट है ये, बच्चे इसमें जाते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, मीन्स देखिए कितना अच्छा एक्सपीरियंस है कि इस तरीके से ऐसे बच्चे तो रोज स्कूल जाएं फिर। ये देखो कितना सुंदर व्यू है और पूरा ग्रीनी ग्रीन और कोकोनट ट्री, और देखो कितना अच्छा वाटर में जा रहा है हमारा हाउस बोट, और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं साथ साथ, धूप में भी ठंडी हवा, उसका आनंद लो और प्रकृति से जुड़ो केरला में आके। ये देखिए लेक के किनारे बसे इन छोटे छोटे गांव में कितने सुंदर मकान बने हुए हैं, और चारों तरफ कोकोनट के ट्री से घिरे ये मकान हरियाली और बैक वाटर के समागम का एक अनूठा दृश्य पेश करते हैं। लेक में कई जगह आपको ब्रिज भी दिखाई देंगे जो कि लेक के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए वो जो हाउस बोट आपको दिखाई थी, बच्चे उसमें से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, मीन्स ये देखिए पानी के थ्रू आते हैं बाय वाटर, और वाटर के पास ही स्कूल है और ये साथ में चर्च है। 2 बजे हमारा लंच टाइम हो गया और लंच में हमें यहाँ की लोकल डिशेस सर्व की गई जो कि खाने में बहुत ही बढ़िया थी। लंच के समय बोट को एक जगह रोक दिया जाता है। अब हम धीरे धीरे वेम्बनाड लेक की तरफ बढ़ रहे थे जो कि भारत की सबसे लंबी व केरला की भी सबसे लंबी लेक है। ये लेक केरला के 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है जहां इसे 3 अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे कोट्टायम में वेम्बनाड, कोची में कोची लेक और एलेपी में पुनमदा लेक के नाम से जाना जाता है। केरला में प्रतिवर्ष होने वाली नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी इसी लेक में आयोजित की जाती है।
यह झील 6 मीठे नदियों के पानी से मिलकर बनी है, जो कि आगे जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इस झील की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 1252 मीटर लंबा सॉल्ट वाटर बैरियर बनाया गया है, जिससे समुद्र के खारे पानी को इस लेक के मीठे पानी में मिलने से रोका जा सके। बोटिंग हो रही है, बोटिंग देख रहे हैं। अब इधर हमें जाना है लेफ्ट साइड में, इधर राइट साइड में। देखो जब भी ट्राई कर रहे हैं बोटिंग को, दोस्तों कितना अच्छा लगता है जब हम किसी नई जगह आते हैं और वहाँ की सुंदरता आपको अपना बना लेती है। इसी जोश व उमंग को बरकरार रखते हुए एलेप्पी का हमारा ये यादगार सफ़र अब समाप्त होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।